नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने किचन क्रेजी हंगर में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एकदम क्रिस्पी करारी आलू की टिक्की। आपने शादी पार्टियों में तो खाई ही होगी, एकदम करारी कुरकुरी। और सर्दियों का मौसम भी चल रहा है तो टिक्की खाने का अपना ही मज़ा है। तो आज हम अपने स्टाइल में आलू की टिक्की बनाएंगे। ये हमारी रेड सॉस है और ये हमारी ग्रीन चटनी है। रेड मीठी चटनी और हरी चटनी की जो रेसिपी है मैं वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेंगे कि हमने कैसे ग्रीन चटनी बनाई और कैसे मीठी चटनी बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी करारी आलू की टिक्की बनाना। फ्रेंड्स, टिक्की बनाने के लिए हमने पहले सबसे पहले लिए चने की दाल। अब आप सोचोगे कि टिक्की में चने की दाल का क्या काम, तो हम बिल्कुल हलवाइयों जैसी टिक्की बनाने जा रहे हैं, जैसे हमने शादी पार्टियों में खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अंदर की फीलिंग जो बनती है उसको तैयार करेंगे। तो मैंने ये चने की दाल ली है, आधी कटोरी है, और इसको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको हम कुकर में सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे जिससे खड़ी खड़ी रहे और ये सॉफ्ट हो जाए। और हमने ली है थोड़ी सी मटर, इसको भी बॉइल्ड कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने चने की दाल और मटर को हल्का सा उबाल लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का किया है जिससे बस थोड़े खड़े खड़े रहे। इनको हाथों से हल्का हल्का मैश कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, तो उसमें हम सामान को डालेंगे पहले। अब इसमें हमें मैंने लिया है कटा हुआ मिर्च, अदरक और कटा हुआ धनिया। मिर्च आप ऑप्शनल है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम इसमें डाल देंगे। हमने सारे सामान को इसमें डाल दिया है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे मिर्च और डालेंगे इसमें चाट मसाला थोड़ा सा। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है टिक्की के लिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। टिक्की बनाने के लिए हमने एक बाउल में उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले ही ठंडा कर लिया था। एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी हम टिक्की बनाएं तो हम आलू को गरम गरम नहीं लेना है, उसको थोड़ी देर पहले उबाल कर रखना है जिससे वो ठंडे हो जाए। क्योंकि हम गरम गरम आलू की अगर टिक्की बनाते हैं तो उसका जो पानी, उसमें जो पानी रहता है उससे टिक्की अच्छी नहीं बनती है। इसलिए हमने आलू को पहले ठंडा कर लिया। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जल्दी से इसको मैश करते हैं। हमने आलू को अपने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालना है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कॉर्न फ्लोर। हमने 1 कटोरी कॉर्न फ्लोर लिया है, हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, जिससे बहुत क्रिस्पी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, कटा हुआ धनिया। इसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावल का आटा डालने से इसमें बहुत क्रिस्पीनेस आती है, इसलिए हमने डाला है। आप ब्रेड क्रम्स डालेंगे लेकिन वो टिक्की तो बनेगी, लेकिन उसमें कटलेट जैसा स्वाद आएगा, इसलिए हमने इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसको एक डोर की तरह कर लिया है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसको लेंगे और इस आलू को लेंगे, वही टाइप में बनाएंगे हम इसको अच्छे से। और इसमें अपने जो स्टफिंग तैयार की थी इसको थोड़ा सा डालेंगे और इसको बंद कर देंगे अच्छे से। ये बिल्कुल बाजार जैसी टिक्की तैयार होगी हमारी, इसको अच्छे से बंद कर देंगे जिससे खुले ना। तैयार होंगे ऐसे कर करके, हम सारी एक एक करके सारी टिक्कियों को बना लेंगे और एक प्लेट में रखते रहेंगे। हमने सारी टिक्कियों को बना बना के एक प्लेट में रख लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में सेकेंगे। गैस पर कढ़ाई रख लिया, उसमें तेल को गर्म कर लिया है। अब हमने अपनी टिक्कियों को एक एक करके इसमें डीप फ्राई करेंगे। ऐसे करके एक एक टिक्की को हम डाल देंगे इसमें,
इसको डीप फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक ये सिक ना जाए तब तक इसको ऐसे रखेंगे। अभी हम पलटेंगे नहीं इसको, पहले एक तरफ से ब्राउन होने देंगे। हमारी टिक्की हल्की हल्की ब्राउन होने लगी, अब एक एक करके हम इनको आराम से पलटेंगे, बिल्कुल आराम से पलटना है इनको। ये देखो हमारी टिक्की अंदर से पीछे से ब्राउन होने लगी है, अभी इनको एक तरफ से सेक गई है, दूसरी साइड से सेकेंगे इनको अच्छे से। हमारी टिक्की बहुत अच्छे से सेक चुकी है, और देखिए आपको देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, लग रही है ना बिल्कुल शादी पार्टी हो जैसी टिक्की। अब फटाफट इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जल्दी से इसको एक प्लेट में निकालते हैं अब हम।